नमस्कार, खबर की तह तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंबिका भारती और अब समाचार गाढ़ावारा से। गाढ़ावारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता जिला पंचायत सदस्य गौतम पटेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के स्वर्णिम विकास के लिए काम कर रही है। कोरोना के भीषण संकट के बीच प्रदेश के भाजपा सरकार बनी थी, इसके बावजूद प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार और संगठन ने हर स्तर पर मानवता बचाने का काम किया और विकास को भी अवरुद्ध नहीं होने दिया। कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व में वाली सरकार ने जिस प्रकार 15 महीनों तक भ्रष्टाचार और लूट की राजनीति की, उससे भी प्रदेश विकास के मामले में पिछड़ गया था। कांग्रेस सरकार ने समर मुख्यमंत्री कन्यादान तीर्थ दर्शन जैसी कई जन कल्याण योजनाओं को बंद कर गरीबों के साथ साथ जो अन्याय किया था उसे भी नहीं भूल सकता। शिवराज सिंह के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। प्रदेश का चौमुख विकास के साथ प्रत्येक गरीब परिवार को एक साथ अनेकों योजनाओं का लाभ भाजपा सरकार द्वारा दिया जा रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर काम किया जा रहा है। चाहे किसान हो, युवा हो, बेटियां हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिन रात चिंतन करते हुए जन कल्याण योजनाओं की लंबी श्रृंखला खड़ी की है। भाजपा का सरकार हर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार की और भी अन्य योजना एवं विकास कार्य के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। पार्टी एवं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चौथे कार्यकाल के 2 साल की पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा प्रत्येक विधानसभा में पत्रकार वार्ता का आयोजन, सरकार की नीतियां एवं सरकार के द्वारा किए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन।